तो दोस्तों जो आज की वीडियो होने वाली है गाइस, ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है। तो गाइस आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चीज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो गाइस हमारे पास एक स्मार्टफोन है जो कि है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी S24 जो स्मार्टफोन है वो हमारे पास है। तो आज हम इसी फोन की अनबॉक्सिंग करने वाले और देखने वाले हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है, कैसा कैमरा इसका देखने को मिल जाता है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको भी ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर दोस्तों बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर वीडियोज देखते हो और आपके लिए हमारी जो वीडियोज होती है वो यूजफुल होती है तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो कि हमारी वीडियोज देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल को देख रहे हो, मतलब हमारी वीडियोस को देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S24 का गाइस बॉक्स है, तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं किसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है। तो गाइस सबसे पहले मैं जो इसकी सील है इसको सील को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस आपको दिखा देते हैं, पहले आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ इस टाइप की जो चीजें देखने को मिल जाती है, साइड में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, इधर आपको गैलेक्सी S24 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और बाकी ऊपर नीचे से कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बॉक्स को ओपन करते हैं, तो गाइस बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाता है। पहले इस बॉक्स के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो गाइस सबसे पहले इसके अंदर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि Type-C to Type-C केबल है और इसके अंदर आप देख सकते हैं मुझे कुछ ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं लगी, केवल एक चीप क्वालिटी की लग रही है देखने में, तो इसको साइड रखते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपको सैमसंग की तरफ से कुछ पेपर बक्स देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको पेपर बक्स देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो, हम इसको साइड रखते हैं। उसके बाद गाइस आपको एक सिम टूल देखने को मिल जाता है, अगर आप अपनी सिम को डालना चाहते हैं तो इस सिम की टूल की वजह से सिम इंजेक्टिंग जो टूल होता है उसको निकाल के सिम ट्रे को आप अपनी सिम को डाल सकते लगा सकते। तो गाइस इस बॉक्स के अंदर आपको इतनी चीजें देखने को मिलती है, इनको साइड रखते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की। तो गाइस हमारे पास है ये वाला स्मार्टफोन जो कि सैमसंग का गैलेक्सी S24। तो गाइस बात करते हैं इसके बैक में। तो गाइस आपको यहाँ पे बैक में तीन कैमरे देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट में देखा जाए तो फ्रंट में आपको कुछ इस टाइप की लुक देखने को मिल जाती है, साइड से आपको कुछ यहाँ पे पोर्ट्स एंड जो भी इनका टूल्स वगैरह है, मतलब जितनी पोर्ट्स है वो देखने को मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ आपको कुछ इस टाइप की लुक देखने को मिलती है, साइड से आपको कुछ इस टाइप की लुक देखने को मिल जाती है और साइड में आपको यहाँ पे कुछ बटन्स देखने को मिल जाते हैं वॉल्यूम एंड पावर। तो गाइस जो मेरे पास जो भी कलर है गाइस ये एम्बर येलो है, इसके अंदर और भी कलर्स आते हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो गाइस इसके अंदर आपको डायनेमिक 2x120Hz की एक FHD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें कि आपको 2600 के निट्स की पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। साथ साथ में गाइस आपको 6.2 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ ही साथ इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। देखा जाए तो गाइस इसके अंदर आपको ओवरऑल एक बहुत ही बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, अगर आप इसमें कंटेंट वॉच कर रहे हैं, मतलब कोई मूवीज या वेब सीरीज देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। जो कलर्स वगैरह निकल के आते हैं बहुत ही अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे और साथ साथ इसके अंदर आपको सैमसंग की डिस्प्ले मिलती है, तो आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि कैसी डिस्प्ले होगी, क्योंकि सैमसंग की तरफ से आने वाली डिस्प्ले ऑलवेज बढ़िया होती है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो गाइस इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 14 का वर्जन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको सैमसंग की तरफ से वन UI 6.1 का OS देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करें इसके चिपसेट की, तो गाइस इसके अंदर आपको एक्जिनोस का 2400 का 4 nm पर बेस्ड प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस इसके अंदर आपको तीन कंट्री जैसे कि USA, कनाडा और चाइना के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरेज एंड रैम की। तो दोस्तों इसके अंदर आपको कई सारे वेरियंट देखने को मिल जाते हैं स्टोरेज के। तो गाइस इसके अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलता है 128GB 8GB रैम के साथ, 8GB रैम 256GB स्टोरेज, 12GB रैम 256GB स्टोरेज और 8GB रैम 1212GB स्टोरेज के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। आप जो सा भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपको कोई भी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ आपको दो सिम का ऑप्शन ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसी स्मार्टफोन के कैमरे की। तो गाइस इसके अंदर आपको 50MP का एक प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप वाइड एंगल में बहुत ही अच्छी फोटोज ले सकते हैं और वीडियोस निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 10MP का एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है, जिसमें कि आप अच्छी खासी फोटो वीडियोस निकाल सकते हो, पोर्ट्रेट में भी आपको ये मदद करता है। और साथ साथ इसके अंदर आपको 12MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप अल्ट्रा वाइड में भी फोटोज वीडियोस का मजा ले सकते हो। दोस्तों बात करें इसकी वीडियो क्वालिटी की, तो इसके अंदर आप 8K में 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 4K में 30 और 60fps दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आप फुल HD में भी 30-60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों बात की जाए इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसके अंदर आपको 12MP का एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है
जिसमें कि आप 4K में 30 और 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फुल HD में 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोस्तों देखा जाए तो इसमें अंदर आपको ओवरऑल एक बहुत ही अच्छे कैमरे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या वीडियोस या फोटोज वीडियो शूट करते हो तो इसकी मदद से आप अच्छे खासे फोटोज वीडियोस निकाल सकते हो। दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके स्पीकर्स की। तो गाइस इसके अंदर आपको डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलते हैं, जो कि आपको ऊपर की तरफ स्पीकर देखने को मिल जाएगा और नीचे की तरफ आपको एक स्पीकर देखने को मिलता है। तो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसी इसकी साउंड क्वालिटी आती है। तो गाइस जैसे कि अभी आपने इसकी साउंड क्वालिटी देखी तो आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा साउंड इसके अंदर आपको देखने को मिला होगा। और बाकी गाइस इसके अंदर आपको कोई भी 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलता है, आप इसमें टाइप सी की मदद से यूज कर पाओगे या ब्लूटूथ की मदद से कोई भी वायरलेस चीजें यूज कर सकते हो। दोस्तों बात करें इसके सिक्योरिटी की, तो गाइस इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मैं जैसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये अनलॉक कर देता है स्मार्ट। दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके बैटरी की। तो गाइस बात की जाए इसके बैटरी की, तो गाइस इसके अंदर आपको 4000 mAh की एक बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ गाइस इसमें आप 25 वोल्ट तक वायर्ड के साथ इसमें चार्ज कर सकते हैं और 15 वोल्ट में वायरलेस आप इसको चार्ज कर पाएंगे इस स्मार्टफोन को। अगर आप इसमें रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप इसको रिवर्स वायरलेस चार्ज कर रहे हैं तो 4.5 वोल्ट के साथ आप इसको रिवर्स चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग देखी, जो कि सैमसंग का गैलेक्सी S24 था। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे कोई भी अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो लाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भीम।